वेलकम टू वे टू सक्सेस। वे टू सक्सेस में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए 8 से 14 मार्च 2019 का करंट अफेयर लेके आए हैं, जो वीकली करंट अफेयर है। इससे पहले हमने आपको 1 से 7 मार्च का करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर दिया था, और आज हम आपको 8 से 14 मार्च का जो वीकली करंट अफेयर है वो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ये करंट अफेयर जो होता है वो रिवीजन करंट अफेयर होता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी बताने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, यानी कि सिर्फ मेन मेन पॉइंट हम आपको बताएंगे। अगर डिटेल में आप लोगों को जानना है हर क्वेश्चन के बारे में तो आप हमारे डेली करंट अफेयर देखिए, जिसमें हमने आपको हर एक चीज़ पूरी डिटेल में बताई है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया है, जो इसके साथ स्ट्रेटेजी के बनता है वो भी हमने आपको वहाँ पर बताया है। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं अपना जो 8 से 14 मार्च का करंट अफेयर है, इसको आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में आज मुंबई शहर परिवहन परियोजना के किस चरण को मंजूरी दी गई। तो मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के किस चरण को मंजूरी दी गई है, वो दी गई है चरण 3A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने दृष्टिबाधित लोगों के अनुकूल सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की, इन सिक्कों में पहली बार जारी सिक्का कौन सा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने दृष्टिबाधित लोगों के अनुकूल सिक्कों की एक नई श्रृंखला जारी की, इन सिक्कों में पहली बार जारी सिक्का कौन सा है। 20 रुपए का सिक्का, जिसका ये इमेज है, 20 रुपए का सिक्का जारी किया गया है इस तरह का, जो दृष्टिबाधित लोगों के अनुकूल है, जिन्हें वो छू करके पहचान जाएंगे कि ये 20 रुपए का सिक्का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस उद्योग को मदद पहुंचाने के लिए राज्य और केंद्रीय करों में रियायत देने की योजना को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस उद्योग को मदद पहुंचाने के लिए राज्य और केंद्रीय करों को रियायत देने की योजना को मंजूरी दी है, तो वस्त्र उद्योग ने। ठीक है, वस्त्र उद्योग ने रियायत देने की योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने बिहार के किस जिले में 1320 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना के लिए निवेश प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, आर्थिक समिति ने बिहार के किस जिले में 1320 मेगावाट के ताप विद्युत परियोजना को स्वीकृति दी है, तो वो दी है बक्सर, बिहार के बक्सर जिले में। ठीक है, चलिए, बक्सर जिला बिहार में पड़ता है, वहीं पे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में असैनिक या रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत कितने नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की अपनी स्वीकृति दे दी है। तो कितने नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी है, तो वो दी है 50 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। युवा श्री अर्पण योजना अथवा युवा श्री योजना 2 किस राज्य ने लॉन्च की, किस राज्य ने शुरू किया है युवा श्री अर्पण योजना अथवा युवा श्री योजना 2, तो ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने युवा श्री या युवा श्री योजना 2 शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में अब तक के किस पहले विश्वविद्यालय की आधारशिला हावड़ा के अरुपारा में रखी है। तो किस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, वो है हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है हावड़ा के अरुपारा में। ठीक है, अरुपारा जगह में यहाँ पे रखी गई है पश्चिम बंगाल में हिंदी विश्वविद्यालय की आधारशिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमेरिका ने किन किन देशों के लिए जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस समाप्त करने के लिए अधिसूचना जारी की। तो अमेरिका ने किन किन देशों के लिए जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस समाप्त करने की अधिसूचना जारी की है, वो है भारत और तुर्की। भारत और तुर्की के साथ जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस समाप्त करने की अधिसूचना जारी की है। ठीक है,
तो इसके बारे में अगर आप कहें कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है, तो हमने आपको डेली करंट अफेयर के वीडियो में हर एक चीज़ डिटेल में बताई है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बताना मुश्किल मुश्किल है थोड़ा सा। तो आपको अगर जानना है हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में, तो हमारे डेली करंट अफेयर की वीडियो देखिए, उस पर हमने हर एक चीज़ को डिटेल में आपको बताया है कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? भाभा परमाणु अनुसंधान का निदेशक नियुक्त किया गया अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती को भाभा परमाणु अनुसंधान का निदेशक नियुक्त किया। एक्शन कूलिंग प्लान का शुभारंभ करने वाले देशों में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत प्रथम स्थान पर है। इंडिया एक्शन कूलिंग प्लान शुभारंभ करने में भारत प्रथम स्थान पर है। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मामले में कितने लोगों को मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मामले में 3 लोगों को मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, हाल ही में किसको केंद्र में वित्त सचिव नियुक्त किया गया? तो हाल ही में किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग को अभी वित्त सचिव नियुक्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसको यूएनडीपी का सद्भावना दूत बनाया गया? तो यूएनडीपी का सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? पद्मा लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी को यूएनडीपी का सद्भावना दूत बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय ने अखिल भारतीय कैरम परिसंघ को किस तरह की मान्यता दी है? तो युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय ने अखिल भारतीय कैरम परिसंघ को किस तरह की मान्यता दी है? राष्ट्रीय खेल परिसंघ, राष्ट्रीय खेल परिसंघ की मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का निर्माण किया गया? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का निर्माण किया गया? वो है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किया गया? कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया। ठीक है, 20 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसे कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा अब 20 लाख रुपए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ चक्र 3 पनडुब्बी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने रूस के साथ चक्र 3 पनडुब्बी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2018 के लिए जारी की गई विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? वो है जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंचल अमृत योजना किस राज्य ने लॉन्च की? आंचल अमृत योजना ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, आंचल अमृत योजना उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वर्ष 2000 से 2017 के बीच अपने हरित क्षेत्र में कितने फीसदी वृद्धि की है? 2000 से 2017 के बीच अपने हरित क्षेत्र में भारत ने कितने फीसदी की वृद्धि की है? 11.1% की वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इडुक्की की मरयूर गुड़ को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? या इडुक्की की मरयूर गुड़ को भौगोलिक संकेतक दिया गया, यह है केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने कितने करोड़ निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य पूरा किया है? तो उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने कितने करोड़ निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य पूरा किया है? यह है 7 करोड़। 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन सरकार ने दिए हैं उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति ने देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019 की शुरुआत की, राष्ट्रीय पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019 की शुरुआत राष्ट्रपति ने अभी किया था, और ये पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो पोलियो दिवस 10 मार्च, 10 मार्च को पोलियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के उप महानिदेशक को विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक
नामित किया गया। उप महानिदेशक कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप महानिदेशक को विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक नामित किया गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मुख्य वैज्ञानिक नामित किया गया है। और उप महानिदेशक कौन है WHO का? ये हैं सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन ये उप महानिदेशक हैं WHO के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत होंगे औसाफ सईद, औसाफ सईद सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2018 के लिए आकार और क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने जीता है? ये जीता है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर। तो वर्ष 2018 के लिए आकार और क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार किसने जीता है? बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा। ये उड़ीसा में भुवनेश्वर में जो है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखी गई। 1320 मेगावाट का ये संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो 1320 मेगावाट का यह संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में है 1320 मेगावाट का यह संयंत्र, जिसका नाम है खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र बुलंदशहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट के किस प्रारूप के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट के किस प्रारूप के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया है ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट, ठीक है, जो ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद ने 2022 में चीन के हांगझू में आयोजित किए जाने वाले एशियाई खेलों में किस खेल को पुनः शामिल किए जाने की मंजूरी दी है? तो 2022 में चीन के हांगझू शहर में जो एशियाई ओलंपिक खेल होंगे उनमें किसे शामिल किया जाएगा? ये क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों के लिए आपराधिक रिकॉर्ड के विज्ञापन देना अनिवार्य बना दिया है, ठीक है, आपराधिक रिकॉर्ड का विज्ञापन देना अनिवार्य बना दिया है। उन्हें सभी प्रमुख टेलीविजनों, टीवी और अखबारों में कम से कम कितनी बार विज्ञापन देना अनिवार्य है, ठीक है, जितने भी प्रत्याशी खड़े होंगे उन्हें अपने रिकॉर्ड का विज्ञापन देना होगा, और उन्हें प्रमुख टेलीविजन चैनलों में और अखबारों में कितनी बार विज्ञापन देना होगा? तो वो होगा 3 बार, कम से कम 3 बार उन्हें विज्ञापन देना होगा टीवी या अखबारों में, ठीक है, टीवी और अखबारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का कौन सा देश ऐसा देश है जहां चुनाव में सिर्फ एक ही प्रत्याशी भाग लेता है? इस देश में हाल ही में चुनाव भी हुए हैं। ये देश है उत्तर कोरिया, ठीक है, किम जोंग उन जहाँ के राष्ट्रपति हैं, किम जोंग उन, ये उत्तर कोरिया है, ठीक है, वहाँ केवल एक ही प्रत्याशी भाग लेता है और उसे ही चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो गई। देश भर में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की टोटल 552 सीटें हैं, ठीक है, टोटल 552 सीटें हैं जिनमें से 545 पर चुनाव होता है, जिसमें से 2 राष्ट्रपति नियुक्त करता है और 543 पर चुनाव होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा के लिए नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन है? CNES किस देश का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन है? यह है फ्रांस। फ्रांस का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन है CNES, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत का है इसरो, वैसे ही फ्रांस का है CNES। हाल ही में किस दिन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
स्थापना दिवस के रूप में मनाया। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने स्थापना दिवस के रूप में किस दिन को मनाया था? 10 मार्च, 10 मार्च को स्थापना दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बौद्धिक संपदा शुभंकर क्या है? भारत का पहला बौद्धिक संपदा शुभंकर है आईपी नानी। ठीक है, आईपी नानी, चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईपी नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी के किस संवाददाता को वर्ष 2018 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाएगा? तो बीबीसी के किस संवाददाता को वर्ष 2018 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाएगा? ये दिया जाएगा प्रियंका दुबे को। ठीक है, प्रियंका दुबे को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रघुराम राजन को। ठीक है, पूर्व गवर्नर आरबीआई के, जिन्हें यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट में भारत को हथियार आयात करने वाले देशों में किस स्थान पर रखा गया है? ठीक है, तो हाल ही में जारी की गई है थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक वार्षिक रिपोर्ट आई है, जिसमें हथियार आयात करने वाले देशों में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो भारत को रखा गया है द्वितीय स्थान पर। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार हथियार आयात करने वाले देशों में भारत को पीछे करते हुए प्रथम स्थान पर कौन सा देश आया है? तो अगर भारत द्वितीय पर था तो प्रथम स्थान पर कौन था? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब आया है प्रथम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सहित 45 देशों ने किस विमान को प्रतिबंधित कर दिया है? भारत सहित 45 देशों ने किस विमान को प्रतिबंधित किया है? वो है बोइंग 737 मैक्स 8, इस विमान को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, अब ये विमान उड़ान नहीं भरेगा, ठीक है, पैसेंजर्स को नहीं ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में तिब्बती आंदोलनकारियों ने भारत में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया तथा ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन तिब्बत के राष्ट्रीय विद्रोह दिवस की किस वर्षगांठ पर सौंपा गया? तो यह सौंपा गया 60वीं वर्षगांठ पर। ठीक है, यह ज्ञापन तिब्बत के राष्ट्रीय विद्रोह दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के राजसी परिवार द्वारा शुरू किए गए वस्त्रदान अभियान ने दान के लिए एकत्रित किए गए सबसे अधिक कपड़ों द्वारा गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। इस अभियान के तहत कितने लाख वस्त्र एकत्रित किए गए? तो 3 लाख, 3 लाख वस्त्र एकत्रित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत ने किस संगठन ने हाल ही में युद्धकालीन दवाओं की श्रृंखला तैयार की? तो भारत के किस संगठन ने हाल ही में युद्धकालीन दवाओं की श्रृंखला तैयार की है? ये तैयार की है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में मिजोरम का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो मिजोरम का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है सी लाल सावता। ठीक है, सी लाल सावता को मिजोरम का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT संस्थान के छात्रों ने नकली नोट का पता लगाने वाले स्मार्टफोन ऐप के कोड को डेवलप किया है? तो नकली नोट का पता लगाने वाले स्मार्टफोन ऐप के कोड को डेवलप किया है, ये किया है आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप किया है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में करीब 5000 साल पुराने कब्रगाह की खोज की, जिसमें से 250 से ज्यादा कब्रें हैं? ठीक है, अभी किस राज्य में ये किया है 5000 साल पुरानी कब्रगाह की खोज की जिसमें 250 से ज्यादा कब्रें हैं? ये है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पुरातत्वविदों ने अभी खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में विश्व स्वर्ण परिषद रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों के स्वर्ण भंडारों की सूची जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 11वें स्थान पर। ठीक है,
और पहले स्थान पर अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेडमार्क के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के बारे में किस समझौते में भारत के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है नाइस समझौता। ठीक है, नाइस समझौते के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेडमार्कों के प्रतीकात्मक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने के लिए किस समझौते में भारत के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है वियना समझौता। ठीक है, वियना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है तीसरा क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक डिजाइनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने के लिए किस समझौते में भारत के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये दी है लोकार्नो समझौता। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। ये जो है ये डिजाइनों के लिए लोकार्नो समझौता होगा, और डिजाइनों के लिए लोकार्नो, और प्रतीकात्मक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के लिए वियना समझौता। ठीक है, और पंजीकरण के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के लिए नाइस समझौता। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के लिए नाइस समझौता, ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के इरोड की कौन सी चीज को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया? तो तमिलनाडु की इरोड की कौन सी चीज को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? इरोड की हल्दी। ठीक है, इरोड की हल्दी को ये भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। अभी केरल की भी एक चीज को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। ठीक है, उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सी चीज है जिसे, केरल की वो कौन सी चीज है जिसे भौगोलिक संकेतक दिया गया है। ठीक है, चलते हैं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन सी चीज है वो केरल की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 38वीं जीबी बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन फिनलैंड के हेलसिकी में किया गया, इसमें भारत द्वारा जीते गए पदक कितने हैं? तो 38वीं जीबी बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन फिनलैंड के हेलसिकी में किया गया, तो इसमें भारत द्वारा जीते गए पदक कितने हैं? एक स्वर्ण पदक भारत ने जीता है, 4 रजत जीते हैं और 3 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चीन की लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला ने कितने लॉन्च पूरे किए? तो हाल ही में चीन की लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला ने कितने लॉन्च पूरे किए? 300 लॉन्च पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2019 किस शहर में आयोजित की गई? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2019 केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2019, ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बीमा एजेंसी को गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस बीमा एजेंसी को गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये है ACKO जनरल इंश्योरेंस को गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा की पहली ऑल वीमेन स्पेस वॉक किस तारीख को आयोजित की जाएगी? नासा की पहली ऑल वीमेन स्पेस वॉक किस तारीख को आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी 29 मार्च 2019 को। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर, जो 8 से 14 मार्च का करंट अफेयर था, वीकली करंट अफेयर 8 से 14 मार्च तक। अगर दोस्तों आपको ये करंट अफेयर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलते दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।